अभी यहाँ पे कल इतना गंदा हो जाएगा ना, ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं पूरी दुनिया की गंदगी यहाँ पे आ गई है। दिस इज आर्ट एंड दिस इज आर्टिस्ट। इनकी वजह से देखो, इनकी वजह से तयार हुए बंदे ये देखो। घर में इतने बड़े बड़े मस्टर्ड डे होने का फायदा होता है, हमारे उसमें ऐसे करते हैं, पांच जगह लगाते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से और अभी होली आने वाली, जिससे आप सबको पता ही है और होली में बहुत ज्यादा गंद मचता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि गंद इतना मचता है बट फिर भी सफाई क्यों करूंगी। अब पता है गंद मचने वाला है और सफाई हो रही है। देखो मैं खुद परेशान हूँ, मैं सुबह सुबह उठ के ये लोग लगे हुए हैं झाड़ू पोछा करने में। झाड़ू पोछा चलो ठीक है, होता है, वो तो डेली होता है, कोई बात नहीं। पाइप लगा के घर साफ करने में, जबको पता है इनको कि गंदा होना है, दो दिन बाद होली है। ऐसा क्यों, मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा पता है वैसे साफ करता है, झाड़ू पोछा लगाता है, ये पाइप लगा के अच्छे से धोना, ये कोई मतलब है? पूरा घर में अभी यहाँ पे कल इतना गंदा हो जाएगा ना, ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं पूरी दुनिया की गंदगी यहाँ पे आ गई है। हाँ दिवाली में तो माना जो होती है सफाई, दिवाली में ठीक है सफाई होती है, बाकी त्योहार में ठीक है होती है सफाई, तो उसमें करनी भी चाहिए। अब ये गंदगी है, इसमें गंदगी आनी है होली वाले दिन। हमने क्या करूं, छोड़ दो मैं। छोड़ दो बोलो सर। ऊपर से हाई कोर्ट से देखो हाई कोर्ट क्या है। हाई कोर्ट में जाके हम अपील करते हैं कि ऐसा क्यों है, गलत बात है ये। ए माँ एक मुझे बात बताओ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ मैं। देखो किस बात, दिवाली में सफाई होती है है ना, और होली में क्यों करते हैं सफाई? होली में तो गंदगी होती है, दोबारा गंदा हो जाना है। गंदगी होगी तो पूजा वूजा होगी, सब कुछ होएगा तो सफाई तो करनी होती है। बात तो सही है यार, दोबारा गंदा हो जाना है फिर दोबारा साफ करेंगे, तब करेंगे ना साफ। अभी क्यों मेहनत करते हैं ना, खाली हो जाता है फिर भरते है ना, वही हिसाब है। क्या बात है सर। अच्छा आपने अपनी ड्यूटी पकड़ ली, क्या सिल रहे हो आज आप? हाँ तो गाइस मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो मम्मी ने सिला है जिया के लिए। खुशी के लिए सिला था तो उसमें से कपड़ा बच गया था, तो मम्मी ने हर्षी कह रहा हूँ जिया के लिए भी सिल दिया। अब पहले जिया आता था, हर्षी आता मुँह में, कभी हर्षी आता जिया था, पता नहीं क्या है, पागल हो जाऊंगा मैं। एक मिनट में दिखा दे, पकड़ना मैं इसको, आप दिखाओ सही। हाँ कितना अच्छा सिला है, देखो सेम टू सेम, सेम नहीं ज्यादा अच्छा है, खुशी से ज्यादा अच्छा है ये फूल, ज्यादा अच्छा लग रहा है। खुशी की ये बॉडी बनी हुई थी ना, तो खाली नीचे का घेरा जोड़ा था मैंने इसका, तो फिर मैंने नीचे का तीन हिस्सा था, एक हिस्सा का ये घेरा बना लिया, एक हिस्सा का काट काट के ये बना लिया। क्या मस्त बना दिया। दिस इज आर्ट एंड दिस इज आर्टिस्ट। मतलब कि ये कला है और ये कलाकार है। क्या करूँ, ये मेरे आंखें नहीं है बीमारी से, ये गर्दन नहीं है। मतलब थोड़ी देर में काम करती हूँ ना गर्दन, तो कौन कह रहा है करने के लिए, कौन कह रहा है मेरी कला मैं छुपा के रखती हूँ, मेरा मतलब ये है। हाँ। छुपा के रखी हूँ ना, तो मैं कुछ कर सकती थी ना, अच्छी होती तो सेहत अच्छी होती तो मैं कुछ करके दिखा सकती हूँ। अब क्या करूँ, जहाज आया जहाज, चलो कहाँ है जहाज? बचपन में बड़ा होता है जैसे जहाज देखा ना, चलो भाई देखने चल जाए जहाँ से मर्जी हो। एक तो इसका समझ में नहीं आता कहाँ है, आवाज इधर आ रही होती है जाता वहाँ है, या उधर देखते हम जाता इधर है, आवाज उधर का कुछ समझ में नहीं आता हम लोगों को। और अभी मैं और क्या करने वाला था, हाँ बस आपने तो क्लियर ही कर दिया। मैं ये कह रहा था खुशी सफाई कर रही क्यों कर रही है, परसों फिर गंदा हो जाएगा, मैं ये बोलने के लिए आया था। खुशी को वो साफ करने को बोली, नानू को किचन साफ करने, नानू तो उठी नहीं आपकी, अभी उठेगी ना, उठ के करेगी ना, देखते हैं क्या कर रही हो। अच्छा है प्रिया नहीं, अगर प्रिया होती ना ऐसा मारती ना, अभी तक प्रिया मेरा भूत बना दिया था उसने, रेस्ट चल रहा होता। अरे तू उठी हुई है, मम्मी कह रही सोई हुई है। सोई थी कितना सोती है तू, उठ जा कुछ सीख, देवरानी से सीख अपनी। देवरानी का बाल बच्ची नहीं है ना। आपसे बोलो तो रात को पकड़ दो, मैं सुबह उठ जाऊंगी तो यार मैं नींद में होता, बहुत गहरी नींद में होता, फिर मेरी नींद का क्या। चल ठीक है जा सो जा यार, तू भी कह रही है। नहीं अब तो हो गई पूरी, हो गई वो देखो, बाल बच्चे गुड मॉर्निंग बेटा, पेट्टू दिख रहा है आपका बाबू। मैं सोई रहती हूँ ना, ये भी सोई रहती है, मैं उठूंगी ना वो देखो उठ जाएगी। या गुड मॉर्निंग, अब नहीं होएगी मेरा मुंडा मेरा बच्चा बच्चा बच्चों कैसे ना, ऐसे खुशबू आती है ना, खा दू। चुड़ैल काम ही क्या होते हैं, खा दू चुड़ैल का बच्चा है,
थोड़ा बहुत चुड़ैल का अंश उसमें भी होगा। सीरियसली ले रही है? मैं तो पंच मारा था, दिल पे लग गई क्या बात? आप इंसान हो ना, हम चुड़ैल हैं, मैं चुड़ैल, मेरे बच्चे चुड़ैल, मेरा पति चुड़ैल नहीं। वो हो ही नहीं सकता चुड़ैल, क्योंकि वो भूत है। सच्ची कह रही हूँ, आती है खुशबू। अच्छा, मन करता है ना खा दूं, इसको खा दूं, इसको खा दूं। तो गाइस आप भी बताओ अगर ऐसा होता है कि नहीं होता, मतलब हम क्या, मैं माऊ ना, मुझे तो ऐसी खुशबू आती है, मन करता है ना बस नशे सी कि ये हाँ हमारे नशे की पुड़िया है। तो आप लोगों को भी आती है नहीं आती, कमेंट करके बताना, जिसके छोटे छोटे बच्चे। चलो गाइस, हर्षी को नहला दिया है, अच्छे से नहाई नहीं हो गई है इसकी, और क्यूट क्यूट बाहू बन गई है। अब 5-10 मिनट ऊपर धूप सेकेगी, क्योंकि धूप भी जरूरी है, विटामिन डी चाहिए। ओरे आंख बंद करो बच्चा, आंख बंद, क्लोज योर आइज, वेरी गुड। चलो 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 चलो, मम्मी पकड़ो अपनी पोती को। हाँ, संभालो इसको। मेरी बच्ची को नहीं ले सकता, पसीना हो जाएगा मेरे, तो पता नहीं क्या हाल है। दिमाग खराब हो गया मेरा, पता है घर पे रह रहे, अब से मैं नहीं रहने वाला हूँ, मैं घर पे रुकूंगा नहीं। आ रहा हूँ, एक मिनट। क्या है इसको ऊपर सुखाने? ए यार क्या है प्रिया, जल्दी आओ, उसको मम्मी को तो जल्दी आओ। वो दिन के पीछे जी, वो दिन के आगे पीछे जी, मैं उनकी साली आपकी कौन सी जीजा जी? मैं ऐसे गा रहा हूँ, मैंने सुना था गाना। आजकल बहुत साली साली हो रही है। तो चिड़ क्यों रही है मेरे को बाबा है? क्योंकि बीवी से ज्यादा टाइम साली को दिया जाएगा ना, तो चिड़ेगी। ठीक है, मुल्क में 700-800 किलोमीटर दूर वो है, वो मुल्क में भी है ना, तो उसको ऐसा नहीं फील होता है कि मैं मुल्क में हूँ और मैं यहाँ पास ही हूँ ना, मुझे फील हो रहा है मैं मुल्क में हूँ। उसको मिनट मिनट में फोन करेंगे और मैं बात करने भी आऊंगी ना। चल अब मैं काम कर रहा हूँ। रो रही देख, बच्ची रो रही, चल रोएगी बच्ची। तो अभी हम जा रहे हैं गुजिया उजिया सारा मिठाइयों का सामान लेने के लिए, कुछ मिठाई भी बनानी, कुछ नमकीन भी बनानी है, क्योंकि होली आ रही है और होली में बाद में पता लगेगा आपको। चलो इनकी वजह से, देखो इनकी वजह से तैयार हुए बंदे, ये देखो तैयार होके सो जाते हैं आपकी वजह से, क्योंकि उनको पता है ना 2-3 घंटे तो लगाने आपने तैयार होने के लिए, तब तक अपनी नींद पूरी कर ले। दादी उठ गई, दादी की होगी गुड मॉर्निंग। लो इसको भी चलाओ। क्या हुआ, इधर पहुंच दे, इधर पहुंच दे, यहाँ पर साफ नहीं होता है। ले तो पहुँच देगा, ले पहुँच दे, ले पकड़, पहुँच दे, आजा पहुँच दे, पहुँच पहुँच, चल पहुँच दे, पहुँच दे। ये 500 का 2 दे रहे हैं, और 500 का 2 है, वो कह रहे हैं कि कितने 300 का 2 ये सब बोल रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं बार्गेनिंग कर रहा हूँ। और किसके लिए? हम तो ले नहीं रहे भैया, अकेले हैं, मैं कंपनी दे रहा हूँ, देखो इतने सारे लोग। हाँ, अंडे 400 का बताओ। चलो हमने जहाँ जाना है एकदम बढ़िया, होली स्पेशल ऑफर बोला, होली स्पेशल ऑफर। चलो 350 और बताओ, लेना है तो बताओ, 3 लोगों को लेना पड़ेगा। हाँ, नया बिजनेस खोल लिया इनने। इतनी देर से हमें बोल रहे थे कि तुम लेट कर रहे हो, और यहाँ पे तो देखो बार्गेनिंग कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ गए मार्केट, हम सोचे हैं पहले हम जिया और हर्षी के लिए ना कोई होली वाले कपड़े ले ले, वाइट कलर के, है ना, सूट या कुछ देख लेते हैं। वैसे होली के लिए लेना, हम सोच रहे ज्यादा महंगा नहीं ले, सस्ता ही ले, अगर होली, हाँ होली होली खेली उसके बाद ठीक है। अभी माशे आ नहीं रहे, कहाँ गए वो, चले भी गए दुकान के अंदर। हम आपको पीछे देख रहे हैं, ये होली के लिए लेना है। ये देखो जिम बॉय बेलपुड़ी पूछ रहे थे, बेलपुड़ी खानी थी हमें, देखते ही ना बोला नहीं अब नहीं खानी है। ये देखो देखो, हाँ ले लेते ना, तो हम नहीं है क्या, 20 रुपए है वो बोले। ये देखना लो, खुद ही खाओ। ट्रांसफर कर दो।
अच्छा ये हर्षित के लिए बड़ा हो गया था, वो भी होली के लिए, इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस तो बहुत बड़ी ये जिया की आएगी मेरे को लग रहा है। जिया के लिए तो मुझे अच्छा लग रहा है, इसको ले लेते हैं। ये सही है, बड़ा है यार, कहाँ है बड़ा है। यहाँ पर आए थे सिर्फ एक होली की ड्रेस लेने के लिए वाइट कलर की, और उन्होंने क्या क्या चूज़ किया देखो, इनको पता नहीं कंट्रोल ही नहीं आता इनको, शॉपिंग करने लगे ना बस धड़ 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 धड़। ये देखो हम दिखाता हूँ आपको, ये मैंने ये सोट वाला अपने लिए लिया है, जिसके लिए भी लिया है, ये एक जिया का जी, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। ये हर्षी के लिए देखना कितना क्यूट लग रहा है, होली में पहनेगी ये जिया, ये वाला पहनेगी, इतने अच्छे अच्छे कपड़े हमारे नहीं आते। तो हमने अपना काम कर लिया, अब हम चलते हैं, हमारा क्या काम बाकी जो कैशियर है वो है, बिल भी उनके हाथ में। अरे वाह ये देखो, ये आप पहनते तो हो नहीं, लेने का क्या फायदा, नहीं नहीं फायदा फायदा तभी है ना बंदे का जब वो ले। देख लो भाई हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता, लेना ले लो। तो अब सारा सामान ले लिया, सारा सामान तो कुछ नहीं लिया, जो मेन हमने गुजिया वगैरह बनाने का सामान लेना था वो सब कुछ भी नहीं लिया है, बस ड्रेस लेने लग गए तो पूरा दिन वहीं पे बिता दिया उन्होंने, पता नहीं क्या है, कुछ एक घंटा भी नहीं लगाना हमें। चलो जो भी है, और अभी ड्राई फ्रूट्स लेने, जो गुजिया में यूज होता है ड्राई फ्रूट्स, किशमिश वगैरह, और सूजी, सूजी भी लेनी है, सूजी है, हाँ हाँ सूजी तो है ना, फिर तो बहुत दर्द होती है ना प्रिया। चलो यार फरार से जिम भी जाना है मेरे को, जल्दी जल्दी बस इसका सारा काम खत्म हो जाए। तो सामान वगैरह हम सब ला चुके थे और खाना वाना बना लिया है, तो ये रहा हमारा सामान। तो अभी मैं थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, हमारे इसमें खजूर बोलते हैं, वो बनाऊंगी मैं, और गुजिया और ये देखते हैं टाइम होगा तो बना लेंगे, नहीं तो फिर कल बनाएंगे, क्योंकि इसको बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता है। अभी ये सब कद्दूकस में घिसना है और फिर आटा गूंदना है, फिर बनाना है, जो भी है जैसा भी है सब दिखाते रहेंगे आपको, आप लोग भी ट्राई करना, बहुत ही अच्छी होती है ये खजूर, और इनको ना स्टोर करके भी रख सकते हैं हम, 2-3 हफ्ते एक एक महीने भी चल जाते हैं, ये खराब भी नहीं होते। तो अब फटाफट से बनाती हूँ मैं, और ये मेथी है कल के लिए, मेथी की सब्जी, मेथी के पराठे बनेंगे। आज मेहनत करो, होली के दिन काम फटाफट फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। ये सारे ड्राई फ्रूट जाएंगे अभी खजूर में, यहाँ पे खजूर के लिए रेडी हो रहा है गुड़ का पानी, इसमें मैंने डाला है गुड़ और इलायची, और ये सारे ड्राई फ्रूट्स इधर हैं, और बाहर ये गूदेंगे आटा। आटे में है हमारा यहाँ पे चावल का आटा है और सूजी मिक्स की है, अगर इसमें गेहूं का आटा भी हो ना तब भी सही होता है, अगर चावल का आटा हो तो ज्यादा अच्छे बनते हैं। घी डाल के पहले मिक्स करना है दोनों, इस आटे को हमने पानी से नहीं गूंदना है, इसको हमने गूंदना है दूध से, तो अंदर मेरा गुड़ का पानी रेडी हो रहा है, उसको मैं दूध में मिक्स करूंगी। अच्छा तो ये गुड़ का पानी हमने ठंडा कर लिया, अब इसको मिक्स करेंगे दूध में, अगर ये दूध में हम गुड़ करते ना, गुड़ पिघलाते तो दूध फट जाता। ठंडा कर करके देना पड़ेगा, हल्का हल्का करके दूध, तो देखो घर में इतने बड़े बड़े मस्टर्ड डे होने का फायदा होता है, जो भारी काम हम नहीं कर सकते ना ये लोग कर देते हैं। गर्म हो चुका है आटा भी हमारा रेडी हो गया, तो अब इसको डालते हैं हम फर्स्ट, हमारे उसमें ऐसे करते हैं पांचेरी लगाते हैं, कोई भी कुछ भी तलने वाली चीज, बस ये हमारे रेडी हो गए खजूर। माहौल चेंज कर दिया पूरा घर का, क्या हो रहा है, मतलब यही देख रहा हूँ इधर ही बावर्ची नया चेंज हो गया, इधर ही बावर्ची बावर्ची पुराना ही है, उधर मालिश वाले। अरे वाह बन गया सारा सामान खत्म, ओ माय गॉड क्या हो गया, जुकाम, यू गॉट अ जुकाम, जुकाम, इट्स जुकाम नॉट जुकाम, जुकाम व्हाट, जुकाम जुकाम। बस यार बोल कहना क्या चाह रही है, कहना ये चाह रही हूँ अभी मस्त मसाज देते, कितना मजा आ रहा यार, ये बातें कहीं नहीं जाती है।
ठीक है, खुद को फील करना होता है। चल ठीक है ठीक है। बोलो देख लो सब तो बोलो तुम। देख मैंने क्या बोला, मैं बोला ना कर दूंगा मसाज, फिर भी जबरदस्ती है कर दूंगा यार। सुपर पावर आ गई मेरे में। कहीं से सुपर चलो मैं तो जिम नहीं जाती, मेरे से बोल सकते हैं पेट है मेरी, तो अभी भी डिलीवरी हुई है, ये क्या है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।